हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे का चीला। आटे का चीला बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप आटा, 1 छोटे साइज का प्याज मैंने बारीक काट के लिया है, थोड़ा सा धनिया पत्ता काट के मैंने रख लिया है, 1 छोटे साइज का टमाटर काट के ले लिया है, 2 पीस हरी मिर्ची मैंने काट के रख लिया है, 1/2 चम्मच मैंने अजवाइन लिया है, 1 कप मैंने कद्दू काट के रख लिए हैं, इसे मैंने कद्दूकस पे घिस लिया था, 2 चम्मच मैंने मैदा लिया है, 1 कप कुकिंग ऑयल लिए हैं, 1 चम्मच मैंने नमक लिए हैं, आप नमक स्वाद अनुसार ले सकते हैं, 1/2 चम्मच मैंने हल्दी का पाउडर लिया। सबसे पहले हम आटे में मैदा मिला देंगे 2 चम्मच। अब हमने जो कद्दू काट के रखे थे उसको भी इसी में हम डाल देंगे, प्याज भी इसमें हम डाल देंगे, हमने धनिया पत्ता डाल दिया है, ये टमाटर को भी इसी में डाल देते हैं, जी भी इसी में हम डाल देते हैं, अजवाइन को भी हम इसी में डाल देंगे, नमक इसमें हम अपने स्वाद अनुसार दे देंगे, 1/2 चम्मच मैंने हल्दी का पाउडर दे दिया है। अब हम इन सभी को 1 चम्मच की सहायता से थोड़े थोड़े पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, थोड़े थोड़े पानी डाल के हम इसको अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। घोल को ना ज्यादा मोटा रखना है और ना ही ज्यादा पतला रखना है, बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे हम अच्छे से एक पेस्ट के जैसा बना लेंगे, इसे बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से इसका हम घोल बना लेते हैं। मेरा ये घोल बन के रेडी है। अब चलिए इसका चीला हम बनाते हैं। सबसे पहले हम गैस पर तवा को चढ़ा देंगे, इसे 1 मिनट के लिए हम गर्म होने देंगे। तवा मेरा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल को चारों तरफ से हम इसे फैला देंगे अच्छे से, 1 चम्मच की सहायता से हम ये घोल तवे में डाल देंगे। इसे अच्छे से हम तवा पर फैला देंगे। जब ये एक साइड से मुंह छोड़ने लगे तब 1 चम्मच की सहायता से इसे हम पलट देंगे। इसे हम 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम को लो पर रखकर इसे 2 मिनट के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा। 2 मिनट हो चुके हैं, मेरा ये आटे का चीला बन के रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी को भी हम इसी प्रकार बना लेंगे। अब आप देख सकते हैं, इस तरह मैंने अपने सारे चीले को बना लिया है। अब आप इसे सॉस या हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।